हेलो दोस्तों, डोलची किचन में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्रैक्स बनाना, जो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं और चाय के संग बहुत ही मज़ेदार लगेंगे, क्योंकि इस समय बारिश हो रही है तो इन दिनों ये अच्छे लगते हैं। सबसे पहले हमने देसी घी ले लिया है और इसमें हम डालते हैं लहसुन और अपनी हरी मिर्च। आप लहसुन घिस के भी डाल सकती हो, लेकिन मैंने काट के डाला है। अब इसमें डालेंगे एक कटोरी पानी। जब ये पानी खौल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक अपने स्वाद के अनुसार, जैसा आप नमक खाते हो। अब जब ये खौल जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अपने चावल पिसे हुए। आप चावल की जगह पे मैदा भी डाल सकते हो और इसको अच्छी तरह से चला लेंगे। जब चल जाएगा ये ध्यान रखिएगा कि इसको चलाते रहिएगा, नहीं तो इसमें फुटकी पड़ जाएंगे। देखिए हमारा चावल तैयार हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे आलू जो हमने मैश करके रखे थे। अब हम इसमें डालेंगे मैदा। आप मैदे की जगह पे सूजी भी डाल सकते हो और इसको अच्छी तरह से मल लीजिएगा। जब ये देखिए आटा मल गया है, अब हम इसकी एक रोटी सी बेल लेंगे और थोड़ी मोटी ही बेलिएगा, और एक ढक्कन की मदद से इसको काटने के बाद में हम अपने क्रैक्स तैयार करते हैं। ये देखिए हमारे क्रैक्स हो गए हैं तैयार। अब हम कढ़ाई में तेल गरम करेंगे और इसको तलेंगे, और ये ध्यान रखिएगा गैस की आंच तेज ही रहने दीजिएगा। ये देखिए हमारे तल गए हैं। हमने थोड़ी छोटी छोटी सी बाउले भी बनाई थी जो बच्चों को बहुत पसंद है। ये हमने सबसे बड़ा क्रैक्स बनाया है जो खाने में बहुत ही चटपटा और टेस्टी लगेगा। अब हम इसमें डालेंगे नमक और अपना थोड़ा सा चाट मसाला, जिससे इसका स्वाद और ही बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरी वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल कर दीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।